रायबरेली सभागार में ओपी त्रिपाठी प्रांतीय महामंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर भावना श्रीवास्तव वरिष्ठ कोषाधिकारी रायबरेली के अतिरिक्त श्री बीएन कुशवाहा वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं एसके मिश्रा के अतिरिक्त राकेश चौधरी कार्यक्रम राज्य कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश उपस्थित रहे। प्रथम सत्र में प्रांतीय पदाधिकारी एवं मुख्य अतिथि वरिष्ठ कोषाधिकारी को माल्यार्पण के पश्चात प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अधिवेशन में सेवा निवृत्ति कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति का समय से भुगतान न होना व विभागाध्यक्षों के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी के सत्यापन के पश्चात भी आपत्ति लगने पर खेद व्यक्त किया गया। अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि इस तरह की आपत्तियां बिलों पर ना लगाएं, जिस पर वरिष्ठ कोषाधिकारी ने आश्वस्त किया कि जिलाधिकारी महोदय से युक्त बिंदु से अवगत कराते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश जारी करने हेतु आश्वस्त किया गया है। तो ओपीएफ पे भी कैसे लगाना शुरू कर देगी और पीएस वालों की लड़ाई चल रही है, उसमें हम आप भी समय समय साथ दे रहे हैं, देना भी चाहिए, वरना हम लोग पुरानी पेंशन व्यवस्था पे भी कैंची दर्ज सकती है। तो साथियों संघर्ष हमेशा करते रहना पड़ेगा। अभी एक साथी बताया था उन्होंने वही कम्पिटिशन वाला राशिकरण जिसको आप कहते हैं, किसी समय में 15 साल में जब था तब 125 रुपये मिला करते थे 1 रुपये का। जी हम बीएल कुशवाहा उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर संगठन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आज इस संगठन का रायबरेली जनपद में जनपदीय अधिवेशन हो रहा है, उसमें हम लोग हम और हमारे महामंत्री ओपी त्रिपाठी उपाध्यक्ष एसके मिश्रा ये हम लोग लखनऊ से इसमें भाग लेने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 13 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर समाज के सदस्य हैं और इनकी अपनी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं। ये अपने जीवन का 60 साल का क्रियाशील जो लाइफ है वो इन्होंने प्रदेश की सरकार, समाज, जनता, देश और राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, तो ये समाज की थाती है, अमानत है। सरकार इनको बोझ ना समझे, लाइबिलिटी ना समझे, बल्कि ये परिवार, समाज, देश और राष्ट्र की असेट्स है। ये वरिष्ठ नागरिक अमानत है, थाती है सबकी। लेकिन इसकी मूलभूत समस्याओं की ओर केंद्र और राज्य सरकार ध्यान नहीं दे पा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।